हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये वाला मेकअप लुक। अगर आपको जानना है कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ किया ये लैक्टो कैलामाइन का लोशन। इसको मैं अच्छे से अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई करूँगी। तरह से नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। मैं ये प्राइमर की जगह पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो आप ये एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। सो मैं इसको भी अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन है। मैं थोड़ा सा इसको अपने हैंड पे लूँगी और अपने फेस पे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर दूँगी इस तरह से। एंड इसे मैं ब्लेंड करूँगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, और इसके बाद मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैं ये ओलिविया का मेकअप स्टिक है, मैं इसे एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी लैक्मे का। मैंने लूज़ पाउडर लिया है इसकी हेल्प से। मैं अपने अंडर आइज़ पे थोड़ा ज़्यादा पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे अंडर आइज़ क्रीज ना करें। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी, और ये है मिस रोज़ का जेल आईलाइनर, और मैं एक फ्लैट एंगल ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को फिल कर दूँगी। इस तरह से मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। अभी मैं अपने आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर ताकि मेरे आई शेडो के लिए एक अच्छा सा बेस रेडी हो जाए इस तरह से। एंड मैं अभी इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और इसके बाद मैं इसको सेट करूँगी पाउडर की हेल्प से। इस तरह से मैंने अपने आई बेस को सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं ये वाला आई शेडो पैलेट ले रहा हूँ, एंड मैं अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करूँगी इससे इस शेड की हेल्प से। अब
अभी मैं स्टार्ट करूँ अपना आई मेकअप। सो मैं ले रही हूँ ये वाला कलर, मैं इसको अपनी क्रीज एंड थोड़ा उसके ऊपर भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं दोनों आईज पे ये वाला स्टेप फॉलो करूँगी। मैंने अपने क्रीज पे ये वाला कलर अच्छे से ब्लेंड कर दिया है एंड इसके बाद मैं ये वाला कलर लेके अपने क्रीज पे ब्लेंड करूँगी दोनों आईज में। अभी मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ ये LA 18 का काजल है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन में एंड ये है ब्लू हेवन का हर्बल काजल। तो इसको मैं अपने ब्लैक आई शेडो के लिए एज आई बेस यूज़ करूँगी। मैं इसको अपने क्रीज के थोड़े नीचे तक अप्लाई करूँगी। मैं ज़्यादा क्लीनली अप्लाई नहीं करूँ बिकॉज मुझे बाद में इसको सेट ही करना है। इस तरह से एंड मैं अपने लोअर वाटर लाइन के काजल को स्मज आउट कर रही हूँ इस तरह के ब्रश के हाथ से एंड मैं इसमें ब्लैक शेडो लेके इसको अच्छी तरह से स्मोक आउट कर रही हूँ एंड मैं यही स्टेप में फॉलो कर रही हूँ अपनी आईज पे भी एंड मैं इस तरह से अपने पूरे आई लिड एंड अपने क्रीज के कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से एंड दूसरी आई में भी मैं ये स्टेप फॉलो कर लूँगी। आई में भी मैं अपने क्रीज के कलर एंड लिड के कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि मेरा मेकअप वेल ब्लेंडेड लगे एंड इसके बाद मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ एंड अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूँगी एंड यहाँ मैं आईलैश कलर ले रही हूँ और अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी एंड इसके बाद मस्कारा अप्लाई करूँगी। यह मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा और ये वाटरप्रूफ है। इसे अच्छे से अपने लोअर लैशेस एंड अपर लैशेस पे अप्लाई करूँगी। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट। सो इसमें से मैं ये पीची पिंक शेड लेके अच्छे से अपने चीक्स में अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ शिवाना कलर्स का शिमर ब्रिक हाइलाइटर। सो मैं अपने फेस के हाइलाइटेड पॉइंट पर अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड लिपस्टिक। इसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ मेकअप फिक्सर की हेल्प से एंड अच्छे से एक ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसको सेट कर दूंगी अपने पूरे मेकअप को। सो ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।